इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिसकी भी कुंडली में कोई विघ्न होता है वो शिव उपासना करता है। महामृत्युंजय का जप कराओ भैया। क्यों? ये मृत्यु को जय करने वाले देवता है। मृत्युंजय कैसे? राम नाम के भरोसे। एक बात स्मरण आ गई, संशय जलता है, श्रद्धा तपती है, विश्वास को कुछ नहीं होता है, न जलना पड़ता है न तपना पड़ता है। विश्वास भजन में सर्वकाल अक्षुण बना रहता है। विश्वास में कोई विघ्न नहीं आता जाता है, भय और रहेगा। संशय को जलना पड़ेगा, श्रद्धा को तपना पड़ेगा। विश्वास सदा अचल यही कर यही वाता। विश्वास सदा अचल है, इसलिए भक्त होने के नाते मेरी आपसे प्रार्थना है, विश्वास में जियो, कभी संशय में नहीं। मेरी भी श्रद्धा थी, अब नहीं रही। श्रद्धा नहीं थी, लोभ था। श्रद्धा खंबे से नहीं होती है, श्रद्धा घटती बढ़ती नहीं है, श्रद्धा हती नहीं जो है सो तो समझ लो। अरे महाराज क्या बोलते हैं, बोल नहीं रहे हैं, लिखा पढ़ी मैं ना, जन्म कोटि लगी रख रही हमारी श्रद्धा, कह रही है कभी घटी गई कभी बढ़ी नहीं, जैसी थी वैसी है, लेकिन विश्वास अक्षुण है, एकदम अक्षुण है। उस पर काल भी आकर अलंकार बन जाए तो भी विश्वास घटता बढ़ता नहीं, जो ऐसा रहता वैसा रहता। चाहे जो पिन्हा दो, अक्षुण है विश्वास, अक्षुण है प्रेम, अक्षुण है भक्ति, एकदम अक्षुण है। कुंडल सर्प का, कंगन सर्प का, बाजुबंद सर्प का, उपनयन जनेऊ, आहा, कंठ में विष, कोई पाएगा? जहर बाकी कोई रह जाएगा? राम नाम के भरोसे। राम नाम जो जपेगा वो जहर पाकर भी अमरता को प्राप्त कर लेगा। अपने भरोसे जहर नहीं पिया जा सकता है। नाम प्रभाव जान शिव नीको, क्या काल कूट फल दीन अमीको। राम नाम जपने वाला अमर है, गोस्वामी जी अमर है, कबीर बाबा अमर है, भगवान के भक्त अमर है। जो भक्त है वो अमर है। नाटक छोड़िए, भक्त अमर है। जो भगत है अमर है। हम भगत हैं तो अमर होंगे, हम नाटक कंपनी हैं तो फिर भाई भगवान मालिक है, कोई पूछेगा नहीं। हाँ कह लो हम भगत हैं क्या? भगवान शिवजी भक्त हैं। श्री हनुमान जी महाराज के कौन सा राज मिला था? कहीं का हनुमान जी को राज मिला? राज इन्हें सुग्रीव का, अंगद का, युवराज। हनुमान जी को कुछ राज नहीं मिला। अरे राज्याभिषेक के समय तो ऐसा हो गया, सबने सब काम बांट लिया, हनुमान जी को कोई काम किसी ने छोड़ा ही नहीं। हनुमान जी चुपचाप ऐसे सरकार की ओर देख रहे थे, सरकार ने भी देख दिया, हनुमान जी समझ के कह रहे हैं घोड़े में बैठ जाओ। हनुमान जी ऐसे देख रहे थे मुलुन मुलुन,
प्रभु क्या कह रहे हैं। भगवान ने ऐसे देख दिया, ऐसे देखा, हनुमान जी समझ के कह रहे हैं पाँव में बैठ जाओ, देखो अतः ये तो बच्चे बाल रूप सरकार को सुशोभित कर रखे हैं, नहीं तो आप देखते आहा वही चुपचाप चरण में। ये क्या है, जो भगवान का भक्त है वो अमर है साहब, युग युग लोग गाएंगे। कब लिखा बाबा ने, संबत 1631 कहूं कथा हरि पद धरी, नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित। और 2069 हो गया साहब, 1631। अब जरा किसी की गणित ठीक हो तो जरा घटाओ, 2069 में से घटाओ 1631, कैसा साल हुआ हो, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कब ये कथा गाई, कब ये लिखा, कब सुनाया, तब से गाते चले आ रहे हैं साहब। भक्त को सर्वकाल स्मरण रखा जाता है, इसीलिए हम न सेठ बने न महाराज बने, हम भगत बने हैं? भगत जी हो, भगत जी। देखिए बाबा बैठे, गणों ने सजा दिया, हाथ में त्रिशूल दे दिया, एक में डमरू दे दिया, नंदी पर बाबा आरूढ़ हो गए। कोई प्रश्न तो नहीं है, बस चढ़ी अवाद्य बजा, कहाँ देवलोक, चलो चलो। देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं, इस दूल्हे को दुल्हन कहाँ मिलेगी, ऐसा दूल्हा पहली बार देख। भगवान विष्णु ने दिक्पालों से कहा, देव समाज अलग है और दूल्हा स्वरूप एकदम अलग है, आप लोग ऐसा करो थोड़ा आगे आगे चलो तो बाबा का समाज भी उपस्थित हो, बिना अपने समाज का साज नहीं बनता है साहब। कहीं भी आप जाएंगे, कई लोग होते हैं अकेले नहीं चलेंगे, क्यों, दो लोग चाहिए ना जो गलतों बोले तो हाँ हाँ इतना कहे वाला तो चाहे करी, तो बिना समाज के साज नहीं बनता है साहब। कई लोग बातचीत करते करते खतरे में इन्हों से पूछ ला हाँ हाँ, अरे चाहे गलत है हो हाँ हाँ कहिए। एक कथा स्मरण आती है, अकबर बिरबल टहल रहे थे तो हमारे लाला जी कथा सुना करते गांव वाले, ओ बड़े अच्छी, तो बैगन बहुत प्यारा प्यारा खेत में लगा था। अकबर ने कहा बीरबल ये सब्जी तो बहुत प्यारी है, कहे हुजूर ये सब्जियों का राजा है, इसके सिर पर ताज रखा है, कहे तुम आज यही बने, बना साहब बढ़िया भरता बना, दाल चावल क्या क्या उसी में भरता, और राजा सब्जी है तो अकबर साहब खा जादे गए, जब बैंगन बहुत ज़्यादा खाओ तो पेट में दर्द होता है, रात में दर्द शुरू भया, तो बिरबल को बुलावा गया, बिरबल जाए कहे बिरबल तुमने क्या खिलवा दिया, ये तो बहुत परेशान कर रहा है, एकदम नींद नहीं आ रही है और पेट में इतना दर्द है मेरे, राजवैद्य बुलाए गए। कहे हुजूर क्या कहें, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसका एक नाम बेगुन भी है, देखने में जितना अच्छा लगता है खाने पर ये बेगुन कर देता है, दवा ववा खा लिए जब ठीक हो गए राजवैद्य की, तो अगले दिन अकबर ने कहा यार टहलते समय तो तुम कह रहे थे कि सब्जियों का राजा है, सिर पर ताज रखा है,
और खा लिए तो कह रहे थे कि बेगुन है। आखिर ये है क्या? बीरबल ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले हुजूर हम सरकार के सिपा सलार हैं, बैंगन के नहीं। आप जो कहेंगे हम वही कहेंगे। आप कहेंगे सब्जी अच्छी है तो कहेंगे राजा है, आपने खाने के बाद कहा है तो नुकसान करता है तो कहेंगे बहुत बुरा है, ये बेगुन है। तो हम अब धन के ऐसे लोगों से हित नहीं हो सकता है। गलत को भी सही सिद्ध करने वाले लोग हमारे हानिकारक लोग हैं, हमारा नुकसान कराते, कभी नहीं। देखिए ना बेचारा कितने नजदीक दिल्ली थी, दूर चली गई। इसी तरह के लोग हाँ न छोड़ते तो कोई कह रहा था, मैं तो समाचार देखा ही नहीं है, न छोड़ते तो बर्खास्त तो हो जाते। जब बना तभी मैंने कहा था कि अच्छा नहीं हो रहा है। अरे भाई किसी भी प्रकार से थोड़े समय के लिए ही यदि आप संगति बिगाड़ेंगे तो परिणाम आपको ही भुगतना होगा। कदापि नहीं, कुछ भी प्राप्त होता है ऐ तजो मन संग किसके डैश डैश डैश। कदापि नहीं। भगवान विष्णु ने कहा दूल्हा सरकार का स्वरूप अलग है, देव समाज अलग है, ये साज समाज सम होना चाहिए। साथ देवता लोग अलग अलग हुए, भगवान शिव ने भृंगी को टेरा, कहा सबको बुलाइए, सबको बुलाना ही पड़ता है साहब। भृंगी सकल गण तेरे मैंने बुलाए, तेरे समझिएगा। हमारे भोजपुरी गायकी में एक शब्द है टेरी, कहो डॉक्टर साहब जो वो बोलेगा उसके नीचे वाले आ करेंगे, यही टेरी है। टेरी मैंने गायक को पकड़े रहना है, गायक बहकने न पावे। टेरी का सहज अर्थ है पिताजी के भाव को समझकर व्यवहार करिए, टेरी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।